रिजल्ट इससे धाकड़ होगा, वो तो वो मोदी सपोर्टर बता रहा है कि 160। अजीत दिन मोदी सपोर्टर का अगर चैनल आ जाएगा ना तो 200 प्लस भी हो सकता है। एग्जिट पोल आया है न्यूज चैनल पर, ठीक है, उसमें कहा कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना, सही है कि गलत है? देखिए, हमारे लिए तो नीतीश कुमार बेहतर नेता थे बिहार के लिए, अच्छा, समझे हैं? हाँ। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार जी अभी NRC के विषय में जो काम किए हैं, कौन काम कर दिए, जो साइन किए हैं मोदी जी का साथ दिए, इसके लेकर के लोग सब खिलाफ हो गए। अब कुछ गरीबी भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, गुस्सा है आपने, गुस्सा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुआ, अभी एक भाई अचानक लॉकडाउन लगा दिए, टाइम देना चाहिए था उनको, जिसके लेकर के गुस्सा है, समझे हैं? और क्या बात है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग भी बैठे हुए हैं। कौन सा गलती हो गया जो आप पूरा रूस फूल गए? कौन सा गलती कर रहे हैं अभी है? यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा गया, कौन गरीब का अभी लॉकडाउन के दौरान गरीबों पर ध्यान दिए हैं? कुछ नहीं ध्यान दिए हैं। सरकार तो बहुत कुछ बोला कि जो है ना 1000 रुपया दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कहाँ किसी को ध्यान दिया, कुछ नहीं ध्यान दिया है सरकार। लालू जी की सरकार कैसे बनेगी? पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसका बहुमत मिल गया है। एग्जिट पोल आया है, बहुत लाया है, 10 गुना है, अनुमानित आंकड़ा है, वो अनुमान लगाया जाता है, अनुमान जरूर लगाएगा, इससे वोट जरूर मिलेगा, अब जीतबो करेंगे, ऐसा बात है। कौन जीतेंगे? लालू जी जीतेंगे। एग्जिट पोल में आया है कि महागठबंधन सरकार बना रही है, उस पर आपको क्या कहना है, गलत है कि सही है? 160 हम कैसे बोल दे अपना मन से, अपना मर्जी से चैनल वाला बोल रहे हैं, आपको थोड़ी बोल रहे हैं, बोले हम ना बोले ना। वोटवा किसको दिए थे? लालू को। काहे लालू जी के, नीतीश जी के काहे नहीं दिए? नीतीश जी के काहे नहीं दिए? तो अपना खुशी है वो जी, कौन मर खुशी आपको, लालू जी दे दिया, एक कट्टा जमीन दे दिया है, खुशी है? तो अगर नीतीश को देंगे तो नीतीश दे देंगे एक कट्टा जमीन, नीतीश एक कट्टा जमीन नहीं देगा ना, 5 डिसमिल मिलेगा ना जमीन, खाए पर आफत कर दिया है, खाए पे आफत है, पंखा कितना कुछ हो गया, पंखा खराब है, बना जी कॉइल खराब है। तेजस्वी यादव बाबर मुख्यमंत्री यहाँ बन रहे हैं, 160 प्लस सीट लाने जा रही है, और बीजेपी और जदयू का यहाँ से एकदम सूखड़ा साफ है, तो उन्होंने ऐसा काम किया जो पब्लिक को, कैसा सब गंदा ही काम किया, कोई दूगा बताइए गंदा काम। जैसे कि देखिए, CAA का समर्थन नीतीश कुमार ने किया, NRC का समर्थन किया, उनको वॉकआउट कर जाना चाहिए था वहाँ से, उद्धव ठाकरे वॉकआउट कर गए सदन से, जी सदन से, इनको भी वॉकआउट कर जाना चाहिए, मुद्दा है NRC मुद्दा है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास का तो मुद्दा ये तो जिंदगी भर तक रहेगा, कोई मंत्री करेगा विकास, कोई नहीं करेगा, कम बेसी तो सब करते आता है, नीतीश कुमार भी हल्का फुल्का काम किया है, लेकिन रोड पुल बनाया है लेकिन बेरोजगारी इतना ज्यादा बिहार में आ गया है, बेरोजगारी बिहार में अभी इतना ज्यादा है कि नौजवान कोई भी रोड बना देने से और पुल बना देने से बिहार के जनता गरीब जो है उसको खाना मिलेगा? खाना कैसे मिलेगा? खाना मिलेगा, रोजगार दीजिए, फैक्ट्री बनाइए, चीनी मिल चालू करवाइए, तब ना बिहार का जनता, 2-4 फैक्ट्री लगवाइए, इतना बिहार का जनता पढ़ लिख के आदमी आज रिक्शा ठेला क्यों चला रहा है? आप बना देते हैं, क्या बना दिया अमित शाह के बेटा? BCCI का चेयरमैन बना दिए, ये बात कौन बताया आपको? कौन बात बताया, हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए आदमी हम लोग जानते हैं, और गरीब वहीं का वहीं है, ये क्या मतलब है? मतलब कि मंत्री का बेटा चेयरमैन बने और गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाए, ऐसा तो नियम नहीं होता है, हम लोग को रोजगार चाहिए, जो तेजस्वी यादव ये वादा किए हैं। आपको एग्जिट पोल पे विश्वास है? एग्जिट पोल पर 100% विश्वास है। एग्जिट पोल अगर बीजेपी को दिखाता तो विश्वास नहीं होता, बीजेपी का वोट हुआ ही नहीं है, उनको मिला ही नहीं है, तो एग्जिट पोल कैसे दिखाएंगे भाई? 160 प्लस लाने जा रहे हैं, आज तक बता रहा है कि 160, इसमें नया बात क्या बता रहे हैं? आज तक बता रहा है, इतना बात समझ लीजिए, सभी पार्टी को आहट हो गई है कि यहाँ गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। भैया अभी आंकड़ा है, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट इससे धाकड़ होगा, हो सके 200 हो सकता है, इससे धाकड़ होगा, रिजल्ट इससे धाकड़ होगा, वो तो वो मोदी सपोर्टर बता रहा है कि 160। अजीत दिन मोदी सपोर्टर का अगर चैनल आ जाएगा ना तो 200 प्लस भी हो सकता है।